एडमिरल चीफ नेवी अमजद खान न्याजी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं मौजूद हूँ बीजिंग में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यूनिवर्सिटी जहाँ से चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। बीजिंग में वाके बेहांग ताशुए, जिसको चाइनीज़ में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बेहांग यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसका फुल नेम बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स है। तो मैं हूँ अशफाक ख्वाजा। मैं हूँ कौसर फारूक। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज हम आपको लेकर चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने डोमेट्री की तरफ कि हमारे डोमेट्री किस तरह है। आ जाए, ये हमारा रिसेप्शन है और यहाँ पे जो मेहमान आते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं। हमारी थोड़ी सी जगह है गैदरिंग की। आ जाए, मैं आपको कमरे की तरफ लेके चलता हूँ कि हमारे डोमेट्री कमरे किस तरह है। सेवन फ्लोर है और अभी हम जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे। ये हमारा सीनियर का रूम है। आ जाए, हम आपको उनका रूम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे सीनियर है और यहाँ अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो आपने इंट्रोडक्शन आपके साथ खुद कर देंगे। मेरा नाम फजल है और मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। तो आ जाए सर, आप रूम में अंदर चलते हैं। सर, मैं आपको अपने दूसरे फ्लैटमेट से मिलवाता हूँ। ये हमारे भागत साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? वेलकम। सर कैसे हैं? सर कैसे हैं? खैरियत साहब मदन आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आ जाएं बैठे, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ तो उसी हवाले से आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करवा देता हूँ। को बैनुल अक्वामी तहजीब का त्यौहार मनाने जा रहे हैं हम लोग, इसी हवाले से मैं थोड़ा काम कर रहा था लैपटॉप पे। मैं कुछ जो है कल्चर, पाकिस्तान का जो कल्चर है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पीपीटी भी बनानी है और कुछ पाकिस्तान के कल्चर के पोस्टर बना रहा हूँ और कुछ सॉन्ग सिलेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने हमारे चार मेन जो हैं कम्युनिटीज़, उस हवाले से सॉन्ग सिलेक्शन है, पोस्टर्स के लिए ड्रेसिंग है। तो फिलहाल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ अभी। मैं आपको इधर जो हमारी डॉर्मेट्री है और रूम का सेटअप है तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अजय भाई, इधर जो है ना दो किस्म की डॉर्मेट्रीज हैं। वैसे जो है हर फ्लैट में इस तरह का ये डाइनिंग हॉल बना हुआ है और दो कमरे हैं, मगर ये जो डॉर्मेट्री है ये स्पेशल पीएचडी वालों के लिए है। हर एक कमरे में एक एक बंदा रहता है और जो मास्टर्स और बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक कमरे में दो बंदे रहते हैं और उधर बंकर लगे हुए हैं। और ये हमारा किचन है इस साइड पे। और ये हमारा वॉशरूम है साइड पे।
तो अभी हम यहाँ पे ग्राउंड की तरफ आ गए हैं। वहीद भाई हमें यहाँ पे बताएंगे कि ये ग्राउंड जो है वो किन चीज़ों के लिए, किन इवेंट्स के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। वहीद भाई तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि ये ग्राउंड जो है वो किस इवेंट्स के लिए आप यूज़ करते हो। इस्पाई भाई, ये है रनिंग ग्राउंड है हमारा। इधर शाम के टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉरेनर्स हों या चाइनीज़, इस ग्राउंड को रनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इस साइड पे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी। ये है टेनिस कोर्ट, और इससे आगे जो है वहाँ पे है बास्केटबॉल कोर्ट। ये इनसाइड हमारा स्विमिंग पूल है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सारे चाइनीज़ वगैरह नहाते हैं तो अलो नहीं है कैमरा। और इस साइड पे हमारा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं बैडमिंटन की या कुछ और किस्म की, पिंग पोंग वगैरह हो गई। ये बिहाइंड जो है ये न्यू मेन बिल्डिंग है हमारी। इधर मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स है इंजीनियरिंग के हवाले से, और कुछ टीचर्स की लैब्स भी इधर ही हैं। टीचर्स की जो ऑफिसेज है वो भी इसी मेन बिल्डिंग में है। म्यूज़ियम है एरोनॉटिक्स का और एस्ट्रोनॉटिक्स के हवाले से, एयरप्लेन्स वगैरह पड़े हैं और उसकी डिटेल्स है हिस्ट्री के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपने कीमती वक्त दिया मुझे अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाई। तो इसी पे ही इस वीडियो का अख्ताम हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने बेजिंग में वाकई बेजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के बारे में जाना होगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।